बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर विपक्ष की चुटकी ली गई है। तो कांग्रेस ने भगत के बयान का समर्थन किया है कि पहली बार बंशीधर भगत ने कही है कोई सही बात। बंशीधर भगत ने कहा था कि हर बार काम नहीं आएगा मोदी मैजिक, विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम करें। मोदी जी अपनी जगह पर हैं, मोदी एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मोदी जी के आधार पर हम सब लोग खड़े हैं, लेकिन हर बात पर मोदी जी ही को लेके हम चलेंगे ऐसा नहीं है। विधायक को भी मेहनत करनी पड़ेगी, विधायक की परफॉर्मेंस देखेंगे, उसी आधार पर टिकट देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी अनुभवी व्यक्ति हैं, धरातली व्यक्ति हैं, और उन्होंने बहुत सही समय पर एक सही राय, जो अब टाइम टेस्टेड राय है, भाजपा के विधायकों को दी है कि आप मोदी जी पर ही भरोसा मत करो, आपको अपना काम भी सुधारना चाहिए। काम में भाजपा जीरो है और मोदी जी का करिश्मा भी अब ढलान की तरफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी वैसे तो सही बात बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी हुई उन्होंने एक बात सार्वजनिक रूप से बहुत सही कही। अपने विधायकों से, अपने नेताओं से उन्होंने कहा कि देश में मोदी लहर समाप्त हो चुकी है, मोदी जी के नाम से अब कोई वोट मिलने वाला नहीं है, जो कुछ आपने करना है, जो कुछ वोट प्राप्त करना है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। एक तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 2017 के चुनाव में या 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में वोट मिला है, वो केवल और केवल मोदी जी के नाम पे मिला है।